अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी शाशलिक। ये भी एक फॉर्म है, लेकिन ये फ्राइड है। जो पहले मैंने आपको सिखाया था वो ग्रेवी था, ये उससे ज़रा डिफरेंट बनता है। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आपको चिकन चाहिए होगा बोनलेस, दैट्स 1/2 kg, जिसे आपने तकरीबन 2 इंच के टुकड़ों में आपने कटवा लेना है 2 इंचज़ के लिए। मसालों में आपको चाहिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून हीपफुल चाहिए आपको, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, लेवल्ड क्रश्ड रेड चिलीज जो है फ्लेक्स जो होती हैं 1 टीस्पून लेवल चाहिए आपको, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, अगर आप कम डालना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। मस्टर्ड जो है पेस्ट हो या पाउडर आप इस्तेमाल कर लें, आपको चाहिए 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून। साथ ही आपको चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, ये आपको ईजिली दुकानों में मिल जाते हैं, ये बॉक्सेस में आते हैं, डब्बों में। आपको ये चाहिए होगा, इसका खास हिसाब नहीं, जब हम इसको फ्राई करेंगे आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपको कितने और चाहिए। साथ ही आपको चाहिए होंगे बेल पेपर 1 मीडियम साइज का या लार्ज ले लें, आपने इसको यूं काट लेना है स्क्वायर। 1 लार्ज अनियन, आपने इसको भी यूं काट लेना है स्क्वायर में। 3 एग्स आपको चाहिए होंगे, मे बी 2, आप देखेंगे खुद ही। और साथ ही आपको दोबारा इन स्क्यूअर्स की ज़रूरत होगी। तो आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। चिकन के अंदर आपने जो तमाम मसाले मैंने आपको बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें आपने चिकन में ऐड कर लेना है और इसको लगाकर आपने मैरिनेट करना है एंड लीव इट फॉर 1/2 आवर। तो सब कुछ बीच में आप डालकर इसको मिक्स करना है। यहाँ पे 3 एग्स जो है स्क्रैम्बल कर लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, खुले बर्तन में आपने करना है इसे। और आपने बीच में अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर अंडे के अंदर डालकर दोबारा इसको अच्छी तरह बीट कर लें। पानी डालने से ये होगा कि जब आप चिकन के स्क्यूअर्स को बीच में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में और जब तेल में डालेंगे तो जो आपका चिकन शाशलिक की जो ये बोटियाँ, इसके ऊपर एक अजीब सा जाला सा बन जाता है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और बड़ा खूबसूरत सा लगेगा। आप वो देखेंगे जब मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसमें पानी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। 3 एग्स के अंदर में अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर। इसको दोबारा अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद आपने चिकन को स्क्यूज पे अब लगाना है। हमने सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप पहले एक अनियन लगाएंगे। और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा जो है चिकन की पीसेस ना लगाइएगा, क्योंकि फिर वो जो है सही कुक नहीं होगा। पर आप देख लें कि मैंने स्क्यूज के ऊपर चिकन जो है मैरिनेटेड लगा दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको डिप करेंगे इन द एग। मेक श्योर कि आप अच्छी तरह आप देख लें कि आप इसको डिप कर रहे हो। यूँ आपने डिप करना है। उसके बाद आप इसको रोल करेंगे इन द क्रम्स। ये देखें, अच्छी तरह आपने इसको मेक श्योर करना है कि क्रम्स के अंदर में हो जाए। और फिर यहाँ से आपने इसको स्ट्रेट अवे ऑयल के अंदर में डालते जाना है। मेक श्योर कीजिएगा कि ज़्यादा गर्म ना हो, वरना आपका चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसको लो टू मीडियम के दरमियान में रख कर कुक करें जब तक आपका चिकन अच्छी तरह गल नहीं जाता। अब ये रहे आपके चिकन शाशलिक फ्राइड। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। इसको सर्व ज़रूर कीजिएगा विद चिली गार्लिक सॉस, केचप, जो आपका दिल चाहे। एंड डू ट्राई इट एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।